के ब्लॉक स्थित रामलीला कमेटी इस बार कुछ नया करने जा रही है। यहां 2009 से रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन इस बार रामलीला कुछ खास होगी। समिति के संस्थापक मुकेश जोशी ने बताया कि इस साल 3 अक्टूबर की पहले शारदीय नवरात्रि से रामलीला का मंचन होगा। इस रामलीला की खास बात यह है कि इस बार छोटे बच्चे, पूर्व सैनिक और महिलाएं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि की भूमिका में नजर आएंगे। वैसे भी इन दिनों ट्रेनिंग चल रही है और सभी इस रामलीला को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमने कुछ लोगों से बातचीत की, तो चलिए जानते हैं। कहता हूँ कि ये जो रामलीला है हमारी, ये 2009 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे हम लोग मेकअप से लेके यहाँ पे जितने भी पात्र हैं उनको अभिनय सिखाते हैं और सब करवाते हैं। सब लोग मिलके आपस में सब यहाँ पे आयोजित करते हैं और यहाँ पे हम मेकअप भी करते हैं और पार्ट भी खेलते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। तो सब लोग, हम जितने भी भाई लोग हैं, आपस में मिलके हम लोग सब एक पूरी रामलीला को आयोजित करते हैं और यहाँ पे मैं भी पार्ट खेलता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही अभी तक यहाँ पे नारद का पार्ट खेला है और मेघनाथ का पार्ट खेला है और इस बार में हनुमान जी की भूमिका में हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे और यहाँ पे एक घर का जैसा माहौल लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी आप बाहर निकालिए और दिखाइए कि रामलीला कैसे होती है, तालीम में भेजिए उनको और देखिए कि हमारी संस्कृति क्या है। सालों से ग्रामीण इलाके में जो रामलीला हो रही है, सबसे पहले स्टेज की रामलीला हो रही है। इससे ग्रामीण के बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे खेल मैदान में बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बनते जाते हैं। तो कलाकार जो है, पांडे हो, धर्मेंद्र हो, अनिता बच्चन हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से गए, तो हम आगे को भी उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों से अच्छी रामलीला का पाठ कराएंगे। विगत वर्षों में भी रामलीला का पाठ होते जा रहा है, इस बार हम और भी सहयोग करेंगे कि यहाँ की रामलीला को उच्च स्थान मिले, ताकि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वह भी एक छोटे से घर से थी, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी ऊंचे स्टेज को पकड़ेंगे और इस रामलीला के मंच को सुंदर बनाएंगे और मनमोहक बनाएंगे। बहुत सौभाग्य का विषय है, श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक के द्वारा इस वर्ष 13वें वर्ष के रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रथम नवरात्रि यानी कि 3 अक्टूबर से होगा, जिसकी तालीम लगभग 2 महापुरुष शुरू कर दी जाती है। 3 अगस्त से हमने तालीम शुरू कर दी थी। यही आसपास के क्षेत्र रोटेसर, कल्ला, भगवानपुर, हिम्मतपुर आदि क्षेत्रों से नन्हे मुन्ने कलाकार, माताएं, बहनें और सबसे गर्व का विषय कि कई पूर्व सैनिक भी इस रामलीला में अपनी यहाँ पर मंचों में अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही यहाँ पर सुंदर मंचन किया जाता है और समस्त क्षेत्रवासियों का काफ़ी हमें सही। मैं अक्षर 10वीं का छात्र हूँ, मैं इस रामलीला में राम का पात्र खेल रहा हूँ और हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत आगे आने का मौका मिल रहा है इस मंच के द्वारा, और जिस वजह से मुझे बहुत खुशी होती है और हम लोग को भीड़ के आगे बोलने का भी मौका मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। रामलीला कमेटी विगत 12 साल से चलती आ रही है, जिसमें हमारा अपना रोल शिव जी और विश्वामित्र का रखा हुआ है और ये बराबर छोटे छोटे पारिवारिक बच्चे, अपने पड़ोस के अच्छे बच्चे लेकर के रामलीला का मंचन किया। हम सखी का पाठ कर रहे हैं और रश्मि का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मैंने भगत का पाठ लिया है और मेरे को यहाँ पे खेल के बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब बच्चों को ये पाठ मिल रहा है ताकि हम आगे बढ़ सकें।